हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 14 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा साइड में, उसे भी आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज है मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज का, फरवरी में भारत ने किस देश के साथ संप्रति 2019 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? तो सही आंसर था इसका बांग्लादेश। ठीक है, ये कल के क्विज का राइट आंसर था। चलिए आज की करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही केंद्र सरकार ने जागरूक ऐप लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में बिजली आपूर्ति की सुनिश्चितता को बढ़ावा देने के लिए ही ये जागरूक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, मतलब कि देखिए इस एप्लीकेशन के जरिए जो है पता लगाया जाएगा कि जो बिजली है उसकी 24 घंटे सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और बिजली के अंदर कटौती वगैरह हो रही है या फिर जो है बिजली के कहीं पे भी फॉल्ट वगैरह है, डिफॉल्ट जो भी है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है पता लग सकेगी। और जो ग्राहक है वो जो मतलब कि वो इसके ज़रिए अपनी जो शिकायत है वो भी दर्ज करवा सकेंगे। ठीक है, जो बिजली से संबंधित शिकायतें होती हैं, तो उसी के लिए ये जागरूक ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, पावही हाल ही चर्चा में रहा है, यह क्या है? तो जो पावही है ये ब्लैक होल जिसकी हाल ही में तस्वीर जारी की गई थी उसी का नाम है ये पावही। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था रिसेंटली एक ब्लैक होल जो है खोजा गया और उसकी पहली तस्वीर जारी की गई थी, और उसी ब्लैक होल को नाम दिया गया है पावही। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ब्लैक होल कहाँ पे पाया गया था? जो आकाशगंगा M87 है उसी के अंदर ये ब्लैक होल खोजा गया था, जो मैंने कल बताया था, और उसी को नाम दिया गया है पावही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक होल का नाम है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही खबरों में रहा बेरेशीट क्या है? तो देखिए बेरेशीट जो है इजराइल का चंद्रयान है, काफ़ी अच्छा अपडेट है, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। तो ये रिसेंटली क्या हुआ था कि ये जो है पहले लॉन्च कर दिया गया था, और ये चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ समय पहले ही ये जो है नष्ट हो चुका है, और इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ समय पहले ही ये नष्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये इजराइल का चंद्र मिशन है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये दुनिया का पहला निजी चंद्र मिशन है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जिसको कि जिसकी जो फंडिंग थी वो जो दान राशि है उससे ली गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये दुनिया का पहला निजी चंद्र मिशन बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रोफेसर नजमा अख्तर को किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति के रूप में चुना गया है? सही आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया। देखिए इसी का जो प्रथम महिला कुलपति चुना गया है, किसे चुना गया है? नजमा अख्तर को चुना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है ये विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, WHO द्वारा जारी पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया। इसके संबंध में कुछ ऑप्शन है देखना है। पहला ऑप्शन देख रहा है, बोल रहा है कि रिपोर्ट में कानपुर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का जो कानपुर है UP में, वो ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि फरीदाबाद वाराणसी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पोल्यूशन के मामले में जो फरीदाबाद है और जो वाराणसी है ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि फरीदाबाद सेकंड नंबर पर और वाराणसी दूसरे नंबर पर है इसमें। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा कि ये 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है, ये ध्यान रखिएगा।
ये भी सही है। और सूची में भारत के 14 शहर शामिल है, तो ये भी सही है। तो इस सूची के अंदर भारत के 14 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा शहर जो है यूपी के हैं, 4 शहर। ठीक है, तो ये इसी ध्यान रखिएगा। कानपुर यूपी में आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो जो फरीदाबाद है ये हरियाणा में आता है। ठीक है, वाराणसी यूपी में आता है। ठीक है, तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना। और देखिए यहाँ पे थोड़ा WHO के बारे में जरूर हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए जो WHO है, अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये, और ये इंटरनेशनल लेवल पर देशों के लिए जो मतलब हेल्थ से संबंधित जो सहायता है वो उपलब्ध करवाता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ से इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि जिनेवा के अंदर है। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, और ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना। भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है? सही आंसर होगा नीदरलैंड के साथ। ये यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही नीदरलैंड के साथ साथ जो है भारत ने ये समझौता किया है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को टालने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा अनुच्छेद लागू किया है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। आपको पता हो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है जो प्रधानमंत्री की जो ऊपर जो एक मूवी बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम से, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी नाम से, तो वो उसको रिलीज को रोक लगाने के लिए ही यहाँ पे जो चुनाव आयोग है उसने आर्टिकल 324 लागू किया है। ठीक है, रिलीज पर रोक क्यों लगाई गई है? तो देखिए यहाँ पे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो आचार संहिता भी लगी हुई है, और इसके अंदर चुनाव से संबंधित, प्रचार प्रसार से संबंधित कोई भी अगर इस तरीके की कोई सामग्री होती है तो वो यहाँ पे प्रसारित नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे एक मतलब कि राजनीति से संबंधित है, ये इनकी मूवी जो है राजनीति पर आधारित है। इस मूवी में इनके कुछ काम बताए गए हैं, कुछ अच्छे काम, बुरे काम जो भी हैं वो बताए गए हैं, तो इसीलिए ये राजनीति से रिलेटेड है, और इसीलिए इसको यहाँ पे रिलीज से रोक लगाई गई है आर्टिकल 324 को जारी करके। ठीक है, 324 को आप पता चल ही गया होगा, इस आर्टिकल जो है ये चुनाव से संबंधित है, और इसके अंतर्गत मतलब कि जितने भी जो इस तरीके के प्रचार प्रसार संबंधित जो जो भी चीज़ें होती है उनको नियंत्रण में करने के लिए ही ये आर्टिकल 324 लाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देश में लघु व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए SBI ने किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? सही आंसर होगा पैसालो। देखिए पैसालो लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, संस्था है, इसी के साथ ये भारतीय स्टेट बैंक ने समझौता किया है, और इसका उद्देश्य है देश के अंदर जो लघु व्यवसायी है उसको बढ़ाना ही इसका मकसद है। ठीक है, SBI से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो जो चेयरपर्सन है अभी वर्तमान में इसके, वो कौन है, रजनीश कुमार है। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, SBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा आपका एलिस जी वेदन, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ठीक है, देखिए एलिसा जी वेदन कौन है, तो ये वर्तमान में जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी है उसी के ये वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए यहाँ पे क्यों दिया गया है, तो आपको बताते हैं कि भारत और UK जो यूनाइटेड किंगडम है और भारत है, इन दोनों के बीच में जो इंश्योरेंस मतलब कि जो आपको बता दें कि बीमा संबंधित जो मतलब कि जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हाल ही सबूज साथी योजना को WSIS अवार्ड्स के लिए चुना गया है, यह किस राज्य की परियोजना है? सही आंसर का पश्चिम बंगाल। सबूज साथी ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है, ठीक है, जिसको हाल ही में WSIS अवार्ड्स के लिए चुना गया है।
WSIS अवार्ड्स जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और परियोजना जिसका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, उत्कृष्ट बांग्ला, उत्कृष्ट बांग्ला भी इसके अंदर शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं को जो है इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया, ठीक है। और ये दोनों ही परियोजनाएं ही बांग्लादेश मतलब कि पश्चिम बंगाल की, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए जो यहाँ सबूत साथी परियोजना है ये क्या है, तो ये जो मतलब कि क्लास 9 से लेके और क्लास 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उनको मुफ्त साइकिल उपलब्ध करवाने के लिए ही पश्चिम बंगाल ने ये योजना जो है शुरू की थी, सबूत साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। इनमें से किसे नया रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा गार्गी कोल, गार्गी कोल को नया रक्षा सचिव जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है, नया रक्षा वित्त सचिव, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस दिन को विश्व विमानन और अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया है? सही आंसर था आपका 12 अप्रैल को, ये मनाया गया विश्व विमानन दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। खेलो इंडिया गेम्स 2019 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? यहाँ पे एक करेक्शन है, ठीक है, तो किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।